प्रमुख गैंगस्टर लखा सदाना नूं पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार पूरी ताकत ला के हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह लखा सदाना दा बठिंडा दी महाराजपुर जिहड़ा कि कैप्टन साहब दा अपना होम्स टाउन है, अपना ओ पिंड है जिथे उन्हां दा पैतृक घर है, उहदे विच आना, रैली च शामिल होना और पुलिस का मूक दर्शक बने रहना, ये दसदा है कि कैप्टन साहब की कमिटमेंट हिंदुस्तान के अपने झंडे के नाल, राष्ट्रीय ध्वज नाल और लाल किले के प्रति की शरदा है कि और अपमान करने वाला गैंगस्टर खुलेआम पंजाब च घूमता नहीं, चैलेंज भी करता है और पुलिस की मौजूदगी जो 2 घंटे वो गैंगस्टर स्टेज पर भी रहा है। कैप्टन साहब तुहाडी कमिटमेंट देश दे राष्ट्रीय ध्वज वास्ते, लाल किले वास्ते और तुहाडी प्रशासन शासन पुलिस बल किस तरह गैंगस्टर्स की मदद कर रहा है, किस तरह उन्हें हीरो बना रहा है, ये जनता नूं समझ आ रहा है। दुखद है, निंदनीय है कैप्टन साहब, ये जिहड़ी अग असीं पंजाब च लगा रहे हैं, ये पंजाब और पंजाबीयत, पंजाबी भाईचारा, पंजाबी सभ्याचार वास्ते खतरनाक है। सानू पंजाब नूं, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, नूं बचाना चाहिए, ना कि अग वल, गैंगस्टरां वल, क्रिमिनल्स माइंडसैट वाले नाल, संप्रदायिक सोच वाले वल पंजाब नूं धकेलिए। असीं क्यों किसी नूं शह देंगे, जिन्हां दी शह आ सारे जाणदे आ, बई दिल्ली दे विच लाल किले दे विच 22-24 बैरीयर पार करके इन्हां नूं लाल किले दे किन्ने पहुँचाया, ये भी एक सवाल है। 2-2.5 घंटे उड़दम मचाते रहे उत्थे, ते उत्थे केंद्र दियां सारी एजेंसियां सी, केंद्र दे सारे अधिकारी सी, पैरामिलिट्री फोर्सेज उत्थे सी, ते उत्थे ये कार्रवाई तो बाद इन्हां नूं बच के जाण दी इजाजत किन्ने दित्ती। दूसरी गल मैं कहां कि पंजाब दे विच इन्हां दे खिलाफ कोई FIR नहीं है, पंजाब पुलिस नूं ये कोई लोड़िंदा नहीं, तो असी किदां इन्हूं गिरफ्तार करिए। अगर दिल्ली पुलिस उहदे खिलाफ़ कोई वरंट है, कोई समन है, वह लैके आवे तो पंजाब पुलिस उन्हां दी जरूर मदद करेगी और वह कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं समझना कि लोकतंत्र के अंदर अपनी गल कहन दा, रैली करन दा सब नूं अधिकार है, जब तक कोई कानून की उलंघना नहीं हुंदी सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती। ਮੁੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਸ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ये दसदा है कि कैप्टन साहब की कमिटमेंट हिंदुस्तान के अपने झंडे के नाल, राष्ट्रीय ध्वज नाल और लाल किले के प्रति की शरदा है कि और अपमान करने वाला गैंगस्टर खुलेआम पंजाब च घूमता नहीं, चैलेंज भी करता है और पुलिस की मौजूदगी जो 2 घंटे वो गैंगस्टर स्टेज पर भी रहा है। कैप्टन साहब तुहाडी कमिटमेंट देश दे राष्ट्रीय ध्वज वास्ते, लाल किले वास्ते और तुहाडी प्रशासन शासन पुलिस बल किस तरह गैंगस्टर्स की मदद कर रहा है, किस तरह उन्हें हीरो बना रहा है, ये जनता नूं समझ आ रहा है। दुखद है, निंदनीय है कैप्टन साहब, ये जिहड़ी अग असीं पंजाब च लगा रहे हैं, ये पंजाब और पंजाबीयत, पंजाबी भाईचारा, पंजाबी सभ्याचार वास्ते खतरनाक है। सानू पंजाब नूं, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, नूं बचाना चाहिए, ना कि अग वल, गैंगस्टरां वल, क्रिमिनल्स माइंडसैट वाले नाल, संप्रदायिक सोच वाले वल पंजाब नूं धकेलिए। असीं क्यों किसी नूं शह देंगे, जिन्हां दी शह आ सारे जाणदे आ, बई दिल्ली दे विच लाल किले दे विच 22-24 बैरीयर पार करके इन्हां नूं लाल किले दे किन्ने पहुँचाया, ये भी एक सवाल है। 2-2.5 घंटे उड़दम मचाते रहे उत्थे, तो उत्थे केंद्र दियां सारी एजेंसियां सी, केंद्र दे सारे अधिकारी सी, पैरामिलिट्री फोर्सेज उत्थे सी, तो उत्थे ये कार्रवाई तो बाद इन्हां नूं बच के जाण दी इजाजत किन्ने दित्ती। दूसरी गल मैं कहां कि पंजाब दे विच इन्हां दे खिलाफ़ कोई FIR नहीं है, पंजाब पुलिस नूं ये कोई लोड़िंदा नहीं,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਰੰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।